हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, दिस इज योर जीके सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, 9, 10 टुगेदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, दैट इज ब्रिटिश और अमेरिकन। ठीक है, ब्रिटिश लैंग्वेज में ये वाले नेम्स लिखे हुए हैं और हमको अमेरिकन इंग्लिश में किस तरीके से इनको बोला जाता है, किनको लिखा जाता है, वो हम आज देख रहे हैं। सो फर्स्ट इज एरोप्लेन। एरोप्लेन इज़ अ ब्रिटिश लैंग्वेज, उसको बोलते एयरप्लेन। एयरप्लेन क्या है अमेरिकन इंग्लिश में। तो दोनों ही करेक्ट हैं, बट ये ब्रिटिश लैंग्वेज है और ये अमेरिकन लैंग्वेज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को बोला जाता है काउंटर क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है? काउंटर क्लॉकवाइज। बिस्किट, बिस्किट अपन अधिकतर अपन जो यूज़ लेते हैं वो सब क्या है? ब्रिटिश लैंग्वेज है ना। और ये अमेरिकन लैंग्वेज में बिस्किट को बोला जाता है कुकी, कुकीज होती है ना। फोर्थ कार पार्किंग, कार पार्किंग इसको बोला जाता है पार्किंग लॉट। क्या बोला जाता है? पार्किंग लॉट। केमिस्ट, केमिस्ट को बोला जाता है ड्रगिस्ट। केमिस्ट को क्या बोला जाता है? ड्रगिस्ट। चिप्स, चिप्स को बोला जाता है फ्रेंच फ्राइज। चिप्स को क्या बोला जाता है? फ्रेंच फ्राइज। स्लिंग फ्लिम, प्लास्टिक रैप, प्लास्टिक रैप बोला जाता है स्लिंग फ्लिम फिल्म को। कोट को क्या बोला जाता है? क्रिब। डस्टबिन को बोला जाता है गार्बेज कैन, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। फ्लैट, फ्लैट को बोला जाता है अपार्टमेंट। फ्लाई ओवर, ओवर पास, फ्लाई ओवर जो होते हैं ना ऊपर से जो ब्रिज निकलते हैं उनको बोला जाता है ओवर पास। गार्डन, लॉन, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड। होर्डिंग्स क्या होते हैं? जगह जगह आपने देखे होंगे एडवर्टाइज के लिए होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, उसको बोला जाता है बिलबोर्ड। हॉलीडेज़ को इसमें बोला जाता है वेकेशन। ठीक है, तो हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं वो मिक्सचर होता है ना, मिक्सिंग ऑफ ब्रिटिश लैंग्वेज एंड अमेरिकन लैंग्वेज। ओके, क्लियर। नाउ सी चैप्टर नंबर 9, फेमस कोटेशंस। ये कोटेशंस होते हैं कुछ जो पर्सन्स द्वारा बोले जाते हैं, है ना। तो कोटेशंस क्या है? कोटेशन इज़ अ स्टेटमेंट और रिमार्क मेड बाय नॉलेजेबल पर्सन। अ कोटेशन इज़ ब्रीफ येट फुल ऑफ वर्डली विजडम। कोटेशन क्या चीज़ होती है? हम बहुत ज़्यादा चीज़ को छोटे से रूप में, है ना, बोलते हैं, उसको कोटेशन कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ का सारांश होता है, उसकी बुद्धि का कंप्लीट उसमें उपयोग होता है, और किस तरह से एक बड़ी बात को हमें छोटी सी एक लाइन में दो लाइन में बताना है वो कोटेशन कहलाता है। यू ऑल्सो माइट हैव हर्ड सम फेमस कोटेशंस, है ना। अब देखिए किस किस ने जो कोटेशंस हैं गिवन है, किसने बोले हैं। तो ये आराम हराम है, ये बोला है जवाहरलाल नेहरू, जी एल नेहरू। किसने बोला है? जी एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। फर्टिलिटी थाय नेम इज वुमेन, इसको बोलते दाय। तो ये है किट्स, के ई ए टी एस, किट्स ने बोला है। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टोल टीयर एंड स्वीट। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टोल टीयर एंड स्वीट। डब्ल्यू, अब जो हमारा है, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टोल टीयर एंड स्वीट, ये है डब्ल्यू चर्चिल। फोर्थ, हुम द गॉड लव डाई यंग, जिसको भगवान प्यार करते हो जल्दी जवानी मर जाते हैं, शेक्सपियर। कौन बोलते हैं? शेक्सपियर ने बोला है। बेटर टू रिजाइन इन हेल दैट टू सर्व इन हेवन, मिल्टन। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, मार्टिन गार्डनर। देर इज नो फ्यूचर इन एनी जॉब, द फ्यूचर लाइज इन द मैन हु होल्ड द जॉब, डेरेक थॉम्सन। डेरेक थॉम्सन ने बोला है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर आर टू बी सॉलोड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। क्या कह रहा है? कुछ बुक टेस्ट करी जाती है, कुछ निगल ली जाती है, कुछ च्यू करी जाती है और कुछ बच जाती है।
तो ये बोला फर्नेस बेकॉन, फ्रेनिस फ्रांसिस बेकॉन ने, ठीक है। ये चैप्टर हो गया आपका। नाउ चैप्टर नंबर 10, टर्मिनोलॉजी। अब देखो बड़े बड़े नाम दे रखे हैं, उनके हमें शॉर्ट नेम बनाने हैं। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड ओनली, क्लू बॉक्स इज प्रोवाइडेड फॉर योर हेल्प। क्लू बॉक्स गिवन है, यानी कि सेंटेंस गिवन है, आपको शॉर्ट जो उनके नेम प्रचलित हैं वो लिखने हैं। क्या है? अ शॉर्ट मैसेज सेंड थ्रू अ मोबाइल फोन, SMS। अ मॉडर्न टर्म ऑफ फॉर अ हाउसवाइफ, मॉडर्न टर्म फॉर अ हाउसवाइफ होम मेकर। अ पर्सन हु इज अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, टेक सेवी। टेक्नोलॉजी सेवी, TECH, टेक सेवी। कौन सा पर्सन? जो कि आज की टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के साथ में अपडेट रह रहा है। अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय, VRS। अपने आप जो रिटायरमेंट लिया जाता है उसको कहते हैं VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट। बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट और वाया ईमेल, ई-कॉमर्स। इंटरनेट के या मेल के थ्रू जो आप सेलिंग गुड्स का सेलिंग करते हो उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स। अ रोल मॉडल ऑफ द यूथ, यूथ का रोल मॉडल क्या कहलाता है? यूथ आइकन, ठीक है। अ वेब पेज डेट सर्व्स अ पब्लिसिटी असेंबली बल पर्सन जर्नल फॉर अ पर्सन, है ना। वेब पेज जो बनता है कंप्यूटर में इसको बोलते हैं हम होम पेज। फिर है 8th नंबर, द परमानेंट अकाउंट नंबर डेट द इनकम टैक्स ऑथराइज गिव द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डेट इज पैन, पैन नंबर होता है ना, पैन। वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री फॉर सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको बोलते हैं GST। GST जो लगा है, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, GST कब से स्टार्ट हुआ है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, GST 2017 से स्टार्ट हुआ है GST लगना, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं, आपको लर्न करना है और इनको रिटर्न भी करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।